सईदना हसन सबा की चार फसल। सईदना हसन सबा ने अपने नज़रिए तालीम के ज़रिए चार फसलों में इमाम बरहक और मुअल्लिम कामिल की ज़रूरत को अक्ली अंदाज़ा में साबित किया है। नज़रिए तालीम का ख़ुलासा यहाँ बयान किया जाता है। पहली फसल यानी सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सईदना हसन सबा ये सवाल करते हैं कि क्या खुदा की मारिफत के लिए अक़ल काफ़ी है या नहीं। जवाब में सईदना हसन सबा ये दलील देते हैं कि जो शख़्स ये कहता है कि अक़ल काफ़ी है तो इसे किसी दूसरे को गलत कहने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि वो अकल रखते हैं, सभी अकल रखते हैं और सभी अपने अपने अकल के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक किसी ख़ास पहलू पे अमल करते हैं। लेकिन जो शख्स ये बात तस्लीम करे कि इंसानी अकल नाकिस है, खुदा की शिनाख्त हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो इसे तालीम हासिल करने के लिए, इल्म तक रसाई पाने के लिए किसी मुअल्लिम की ज़रूरत पड़ती है और इससे इत्तेफाक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि अकल भी ना काफ़ी है और मुअल्लिम भी लाजमी नहीं है। चूँकि अपनी अपनी अकल की बुनियाद पे लोग दीन की इतनी तशरीहात करते हैं कि तशरीह न सिर्फ दूसरों से मुख्तलिफ होती है बल्कि कई तशरीहात तो बिल्कुल इसके ज़िद में होते हैं। अब ये मुमकिन नहीं कि दो मुखालिफ चीज़ें हो और दोनों ही दुरुस्त हो। लिहाजा ये नतीजा सामने आता है कि अकल काफ़ी नहीं है और मुअल्लिम की ज़रूरत ज़रूर है। हसन सबा कहते हैं कि अकल का इस्तेमाल लाजमी है लेकिन मुअल्लिम की ज़रूरत बहुत लाजमी है। अब दूसरी फसल या दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सईदना हसन सबा कहते हैं, ये दलील देते हैं कि जो शख्स मुअल्लिम की ज़रूरत से इत्तेफाक करेगा, इसे दो बातों में से किसी एक बात को तस्लीम करना पड़ेगा, या तो कोई मुअल्लिम दुरुस्त है या सिर्फ सादिक यानी इमाम बरहक ही सही है। अगर एक शख्स ये कहता है कि कोई भी मुअल्लिम हो सकता है, इमाम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुअल्लिम हो सकता है जो हमें सिखाए, क्योंकि इस सूरत में अगर ये बात है, वो कहे कि कोई भी मुअल्लिम हो सकता है, इमाम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुअल्लिम हमारे लिए काफ़ी है, अगर ये सूरत है तो इस सूरत में सबके मुअल्लिम दुरुस्त तसव्वुर किए जाएंगे, क्योंकि इस सूरत में सबके मुअल्लिम दुरुस्त साबित किए जाएंगे और किसी एक मसलक को, किसी एक फ़र्द को ये हक बिल्कुल हासिल नहीं कि वो दूसरे मसलक को बुरा कहे या उसके मुअल्लिम के बारे में कुछ बात करे, क्योंकि बकौल उनके जो मुरीद होते हैं, उनके मुरीद के बकौल उनका उस्ताद ही सही होता है, तो किसी एक मसलक को हक नहीं कि वो दूसरे को बुरा कहे। अब इसे दूसरों के मुअल्लिम गलत कहने का हक नहीं पहुंचता, लेकिन जो भी शख्स इससे मुत्तफिक है कि सारे मुअल्लिम दुरुस्त नहीं हो सकते, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, सारे मुअल्लिम कैसे दुरुस्त हो सकते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक ही मुअल्लिम है जो कि इमाम बरहक की है और इसकी ज़रूरत को तस्लीम करना चाहिए। अकल का काफ़ी न होना भी इस बात की दलील है कि खुदा की शिनाख्त के लिए मुअल्लिम की ज़रूरत है, चूँकि इस दुनिया में दीन के मुअल्लिम होने के बहुत सारे दावेदार मौजूद हैं। इसे दुरुस्त नहीं हो सकता और इसे दुरुस्त नहीं माना जा सकता, लिहाजा ये नतीजा निकलता है कि मुअल्लिम सादिक की ज़रूरत है जो एक ही हो सकता है। हम जाते हैं तीसरी फसल की जानिब। तो तीसरी फसल में सईदना हसन सबा ये दलील पेश करते हैं कि मुअल्लिम सादिक को हर दौर में हाजिर और मौजूद रहना चाहिए। अब ऊपर जितनी भी बातें हुई इसके बाद मुअल्लिम सादिक को अगर हम मानते हैं तो वो मौजूद होना चाहिए हर दौर में, ताकि वो अपने पैरोकारों की रहनुमाई कर सके। अगर हाजिर नहीं होगा तो हिदायत की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। अब चौथी फसल की जानिब जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हसन सबा फरमाते हैं कि इंसानों की दो गुरु में से एक गुरु खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए मुअल्लिम सादिक की ज़रूरत और उसके तायुन को लाजमी समझता है और इसकी पैरवी करता है, जबकि दूसरा गुरु ये अकीदा रखता है कि किसी भी मुअल्लिम से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। तो ये बात जो है ना आपको मिलेगी सफ़ा नंबर 99 और 100 में हसन सबा हकीकत और अफसाने किताब में दर्ज है। तो इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हसन सबा ने जो क्वेश्चंस पूछे थे तो इनके बीच में जो इसका जो बातिन है वो किस तरह है। तो इसके अलावा कुरान मजीद में एक आयात भी है, सूरह बनी इसराइल की आयात है, हमारा सुन्नत और तरीक़ा इन लोगों से भी रहा है जिन्हें हमने तुमसे पहले भेजा था यानी रसूल बना के, तुम हमारी इस सुन्नत और तरीक़े में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। तो ये अल्लाह पाक कहता है, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद अगर क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो आपको इनका जवाब प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।